प्रीव्यू। फैसल खान साहब, कल अबू आजमी साहब औरंगाबाद में क्यों आने वाले हैं, उनका क्या प्रोग्राम है? अल्हम्दुलिल्लाह, कल बरोस पीर 15 तारीख को औरंगाबाद शहर के अंदर जनाब अबू आजमी साहब आ रहे हैं, जो कौम मिल्लत का दर्द रखते हैं, और इसी को लेके प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है, जो मिल्ली तहरीक का प्रोग्राम है। पार्टी का कोई बैनर नहीं रहेगा उसके अंदर, और सभी जो मिल्ली सोच रखते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्दी में आगे आते हैं, जो मुसलमानों के सुख दुख में आगे आते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमने उसमें इन्वाइट किया है। मिल्ली तहरीक का ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का अनुमान ये है कि जो आज शहर, जो आज दुनिया के अंदर हो रहा है, अपने देश के अंदर, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र में केरला फाइल जैसी फिल्में आ जा रही, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में आ जा रही, जो मुसलमानों को बदनाम कर रही, उसी के साथ जो औरंगाबाद के अंदर फसाद हुआ, उनके ताल्लुक से भी अबू आसिम आजमी साहब उसमें अपनी राय रखने वाले हैं, कमिश्नर साहब से मुलाकात करने वाले हैं, और ये सब मुद्दों को लेके औरंगाबाद का जो नाम तब्दील हुआ, इसमें जो अबू आसिम आजमी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोल रहा, असम्बली के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बात उठाई, यही सारे मुद्दों को लेके अबू आसिम आजमी साहब औरंगाबाद की आवाम से मुखातिब होने वाले हैं। और कल बरोज पीर 15 मई औरंगाबाद शहर के अंदर अबू आसिम आजमी साहब आ रहे हैं, और मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल गणेश कॉलोनी, यहाँ पे शाम मगरिब के बाद प्रोग्राम शुरू होगा, शाम 7 बजे से रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। और मैं सभी औरंगाबाद के वासियों से गुजारिश करता हूँ कि ये लोग सब इस प्रोग्राम में आइए, और एक मिल्ली सोच जो रखते हैं वो इस प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे, और जो सेकुलर जहन रखते हैं वो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम पर अटेंड करें। अबू आसिम आजमी का किराड़पुरा में विजिट रहेगा? जी, अबू आसिम आजमी साहब का किराड़पुरा फसाद के जो मुतासर लोग थे उनसे मुलाकात रहेंगी, और उसी के ताल्लुक से कमिश्नर से भी मुलाकात है, उनसे बातचीत करेंगे कि जो बेकसूर मुसलमान बच्चे बहुत सारे जेलों में जा रहे हैं, जैसे आपके न्यूज़ चैनल ने इसको पूरा कवर किया है, वो सारी चीज़ें अबू आसिम आजमी साहब कमिश्नर साहब से बैठ के बातचीत कर रहे हैं।